हेलो वालेकुम बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको जी सर चलो अभी आई है या उससे पहले भी आ रही थी आई है अच्छा वो मेरे ख्याल से फिर कोई फिलहाल उस... सर अभी है ठीक है जी ठीक है तो बुरहान आप ये लाइनें लगाना बंद करो ना आप स्क्रीन पर लाइनें क्यों लगा रहे हो तो बाकी स्टूडेंट्स किधर तो है अभी सिर्फ ग्यारह स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है आप में से जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ ले मेरे से इतने लोगों ने ही आना है uh, कुछ लोग सो रहे होंगे कुछ लोग किसी न किसी काम में बिजी होंगे तो जी कोई क्वेश्चन वगैरह है किसी को तो शाबाश पूछ लें कोई क्वेश्चन नहीं है जी आयजा बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है आपको no, जी बुरहान आपको कोई क्वेश्चन नहीं है जी no, सर चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करने लगे थे आपको याद होगा कि हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया था और कल जो है वो यूनिवर्सिटी में एक अकेडेमिक काउंसिल की मीटिंग थी दैट्स उसका पार्ट होने की वजह से मुझे उधर जाना था इसलिए हम कल क्लास नहीं पढ़ सके तो आज हम लोग ये बारह से डेढ़ बजे तक दो क्लासेस इकट्ठी पढ़ेंगे उसके बाद आपको कुछ टाइम का गैप देंगे और देन आपकी प्रोग्रामिंग की क्लास भी है तो लास्ट टाइम हम लोग ये स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्कस करने लगे थे कि लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था हमारे पास स्टोरेज स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों ने समझना है तो मैं आप लोगों को सिर्फ उसकी हरारत ही बेसिकली समझाने के लिए एक स्लाइड दिखा रहा था लास्ट टाइम ये वाली तो हमारा लेक्चर का टाइम खत्म हो गया था पहले इसको देख लें उसके बाद फिर इसके अंदर जो जो चीजें आती हैं फिर पिछली स्लाइड्स जो है उनके ऊपर जो कुछ भी होगा उनको हम डिस्कस करते हैं ये रजिस्टर से देखें काम स्टार्ट हो रहा है और रजिस्टर पर आगे एंड हो रहा है ठीक है अब ये रजिस्टर जो है ये आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है कहाँ एग्जिस्ट करता है सीपीयू सीपीयू में सीपीयू में एग्जिस्ट करता है सीपीयू में एग्जिस्ट करता है या वो जो एक बॉक्स होता है जहां से आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं वहां पर एग्जिस्ट करता है सर आई आई थिंक थिंक सीपीयू 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 में में ठीक है अच्छा बेटा से मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दू uh, मैंने लास्ट लास्टर uh, में आप लोगों को बताया भी था हो सकता है कुछ लोगों को याद हो कुछ को याद ना हो सीपीयू एक छोटा सा कंपोनेंट होता है प्रोसेसर दैट इज जस्ट लाइक योर ब्रेन जो कि हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर होता है और वो जो बॉक्स हम आजकल नॉर्मली हमारे पास लैपटॉप्स हैं लेकिन घरों में हमने दूसरे सिस्टम रखे हुए हैं वो जैसे लैम में सिस्टम बड़ा होता है एलसीडी है कीबोर्ड है माउस है और नीचे बॉक्स में हमारे पास एक सिस्टम यूनिट बड़ा होता है समटाइम वो सिस्टम यूनिट को भी बच्चे जो है ना वो सी बोलते हैं तो इस वजह से कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं जस्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि वो सी नहीं है दैट इज अस्टम यूनिट सी पी यू इज अ प्रोसेसर एक छोटा सा कंपोनेंट होता है वो जो कि आपका आपका जैसे आपका ब्रेन है ना वैसे इसी तरह ही वो सिस्टम का ब्रेन होता है तो बेटा रजिस्टर्स उसके अंदर होते हैं रजिस्टर्स के अंदर आप लोग जानते होंगे टेम्प्रेरी बेसिस पे डाटा स्टोर होता है वो डाटा स्टोर होता है जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रही हैं वो डाटा स्टोर हो रहा है जिसके ऊपर आप लोगों के पास आपके प्रोसेसर को पता है कि मैंने अब तो नेक्स्ट काम काम करना है सो रजिस्टर से डाटा निकलता है कैशे में जाता है कैशे आप लोग जानते हैं कि टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस होती है या टेम्पररी अब तो आजकल तो वो टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया है वो भी प्रोसेसर के अंदर ही एग्जिस्ट करता है वो भी सी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास uh, रजिस्टर से डाटा निकला कैशे में गया कैशे से निकला मेन मेमोरी में, में गया जब भी मेन मेमोरी की बात आती है तो फौरन से हमारे माइंड में रैम का नाम आ जाता है क्योंकि रैम को मेन मेमोरी बोला जाता है रैम के बाद हमारे पास जो है वो डाटा नॉन वोलाटाइल मेमोरी में जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर हमारी सारी सेकेंडरी स्टोरी डिवाइस आ जाती हैं सेकेंडरी स्टोरी में आपकी हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं ठीक है जी तो आपकी रोम आ सकती है आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है लेकिन नॉर्मली सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो है वो हार्ड डिस्क और स्टोरेज डिवाइसेस आती हैं जैसे आप लोगों की कह लें जी के आप यू डिस्क की बात कर लें आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात कर लें तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं वहाँ से अगर हमारे पास हमें ज़रूरत है फर्दर हम लोगों ने कोई सी या डी यूज़ की हुई है जिसको हम लोग ऑप्टिकल डिस्क कह लेते हैं फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप्स आ जाती हैं इन शॉर्ट ये डाटा रजिस्टर से शुरू हो रहा है और रजिस्टर पे जाके एंड हो रहा है रजिस्टर से शुरू हो रहा है रजिस्टर पे एंड होने से मुराद ये है कि जब आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है ना तो वो डाटा रजिस्टर से उठा रहा है like डाटा कहाँ से आता है कैशे से होकर आता है कैशे में डाटा कहाँ से आता है मेमोरी से होकर आता है मेमोरी में डाटा कहाँ से आता है आपकी हार्ड डिस्क से आएगा या रोम से आएगा या किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आएगा जो कि आपने साथ में लगाई हुई है तो वो डाटा हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग बाहर किसी तीसरी और अपनी डीवीडी से भी लेके आ सकते हैं अपने यूएसबी से भी लेके आ सकते हैं अपने किसी मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क से भी लेके आ सकते हैं ये ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती हैं मैग्नेटिक टेप्स कौन सी होती हैं ये आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के कोर्स में पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा हुआ तो यू कैन गो टू द गूगल और वहाँ जाके जस्ट आप लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स तो वो आपको एक लंबी सी लिस्ट दे, दे देगा उसके इमेजेस भी दे देगा कौन सी मैग्नेटिक टेप होती है और कौन सी ऑप्टिकल डिस्क होती है यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो

टेम्परेरी डिवाइस है इसलिए हाँ जी सर डाटा इसमें तो डेली आता है थोड़े वक्त के लिए नहीं वो तो टेम्परेरी रैम हमारी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है लेकिन हम इसको मैंने पूछ रहा हूँ रैंडम रैंडम एसेस क्यों कहते हैं जी कोई और समावी स्टूडेंट इस वक्त है हम आ, आप चुप कर जो आयजा जी सर ऊपर उंगली रख लो जी समावी अर्शद एक स्टूडेंट बैठी है इस वक्त क्लास में ज्वाइन करके मैं उससे पूछ रहा हूँ मेमोरी रैम को क्यों कहते हैं ये बेटा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको आने चाहिए मैं जल्दी से यहाँ पर डिस्कस करके आगे जाऊंगा क्योंकि अब उसने यहाँ लिखे हुए हैं मुझे थोड़ा थोड़ा आपको बताना है इसके अंदर से अदरवाइज ये तो बेसिक कंप्यूटिंग की चीजें हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए थी

सेगमेंट को एक्सेस करना है फिर उस सेगमेंट को एक्सेस करना है हम लोग जानते हैं कि रैम जो होती है ना उसके सेगमेंट्स होते हैं एक बाइट का एक सेगमेंट होता है उसके अंदर डाटा कभी लोड हो रहा होता है कभी हम हम वहां से एक्सेस कर रहे होते हैं कभी डाटा एक्सेस रखा जा रहा होता है राइट किया जा रहा होता है कभी रीड किया जा रहा होता है आपको पता है कि हम लोग रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं तो रीड एंड राइट मेमोरी इसी वजह से बोला जाता है ना कि डाटा को रीड करने का मतलब कि डाटा को ओपन किया जा रहा है डाटा को एक्सेस किया जा रहा है राइट करने का मतलब डाटा को सेव किया जा रहा है रखा जा रहा है डाटा को वहां पर लोड किया जा रहा है सो रैंडमली डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सेस किया जाता है रैंडमली डिफरेंट सेगमेंट्स को इसलिए एक्सेस किया जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस एक वक्त में काम कर रहे होते हैं और हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में आपको पता है हमने ये बात डिस्कस भी की थी हमने देखा था कि जब हम लोग बात करते थे जी वेरिएबल को ये वाली मेमोरी एलोकेट होगी हो सकता है वेरिएबल बी को वो वाली मेमोरी एलोकेट सेगमेंट एलोकेट हो गया याद है सबको या नहीं याद तो जी जी तो जब जब सिस्टम वेरिएबल ए को एक्सेस करता है तो हो सकता है उस वो किसी और सेगमेंट में जा रहा है जब B, जब सिस्टम सिस्टम बी जो जो है जब प्रोसेसर जो है या प्रोसेसर वो आ, किसी बी के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है हो सकता है वो किसी और सेगमेंट में जा रहा है तो रैंडमली किसी भी सेगमेंट में जाके डाटा को एक्सेस किया जा सकता है डाटा को रखा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस वक्त में चल रहे होते हैं और डिफरेंट प्रोसेस का डाटा डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारे पास लोडेड होता है तो प्रोसेसर ने स्पीड के साथ एक का डाटा रखना है एक का उठाना है एक का उठाना है दूसरे का रखना है सोन इसको रैंडम एक्सेस बोला जाता है कि सीक्वेंस की बजाय रैंडमली आप इसको किसी भी वक्त किसी भी सेगमेंट को एक्सेस कर सकते हैं देर इज नो रिस्ट्रिक्शन के आपने सीक्वेंस में ही एक्सेस करना है इसको तो एक तो ये हमारे पास ये है कि टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती है टेम्प्रेरी हम लोग इसको डाटा को स्टोर करते हैं इसके अंदर टेम्प्रेरी इसलिए कहते हैं कि हमारे पास फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड डाटा स्टोर होता है आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि हमारी रैम में से सारा कुछ जो है वो डिलीट हो जाता है और दूसरा इसको कहते हैं जी के टिपिकली वोला है वोला इसी वजह से कहा जाता है कि सिस्टम के शट डाउन होने की वजह से सिस्टम के पावर ऑफ होने की वजह से हमारा डाटा जितना भी रैम में पड़ा होता है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है इस वजह से इसको वोला मेमोरी बोला जाता है तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये वन ऑफ द टाइप्स ऑफ रैम है एक इसकी टाइप होती है जिसको स्टैटिक रैम कहते हैं एक होती है डायनामिक रैम कहते हैं सो so, तो डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम की डिफरेंट टाइप्स जो है वो आप लोग पढ़ के आए होंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर फिर नीचे चले जाए नीचे सेकेंडरी स्टोरेज है सेकेंडरी स्टोरेज में वो वगैरह एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लार्ज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कैपेसिटी आपकी हार्ड डिस्क की, की बात की जा रही है आपकी यूएस की बात की जा रही है जिसमें परमानेंटली डाटा को स्टोर किया जा रहा है नॉर्मली जब हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो फौरन से हमारे माइंड में जो है ना वो हार्ड डिस्क की बात आती है हार्ड डिस्क में जिसमें परमानेंटली डाटा को फॉर द फॉर द लार्ज टाइम पीरियड फॉर द लॉन्ग टाइम पीरियड स्टोर किया जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं हम लोग अपना जितना भी डाटा रखते हैं वो हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में मीनस के हार्ड डिस्क में रखते हैं तो जब हम लोग उस प्रोसेस को ओपन करते हैं जस्ट लाइक like अभी आपने जूम को ओपन किया होगा अपने लैपटॉप पे तो जूम तो आपकी हार्ड डिस्क पे स्टोर था ना तो जब आपने उसको डबल क्लिक करके ओपन किया है तो हार्ड डिस्क में से डाटा जो है वो उठाया जाएगा इंस्ट्रक्शंस उठाई जाएंगी रिगार्डिंग जूम और रैम में लोड की जाएंगी और प्रोसेसर फिर उनके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा एग्जीक्यूशन करके क्या है जी जूम आपके सामने ओपन हो जाएगा जूम आपके सामने ओपन हो जाएगा अब आपका प्रोसेसर जो है वो जूम और जूम एप्लीकेशन को आपके सामने जो आप क्लास पढ़ रहे हैं वो रैम में इसकी इंस्ट्रक्शन लोड हो रही हैं जो जो इस वक्त रिक्वायर्ड है ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि जूम का आपके जूम का किसके साथ लिंक बनाया हुआ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके नेटवर्क के साथ आपके इंटरनेट के साथ तो बैक एंड पे आप लोग जस्ट यू यू कैन कैन ऑब्जर्व इमेजिन कैसे काम हो रहा होगा हो कि नेट से नेट से से डाटा डाटा आ रहा रहा है है फेच किया जा रिसीव किया जा रहा है फेच नहीं कह सकते इसको रिसीव किया जा रहा है रिसीव करके उसको रैम में लोड किया जा रहा है रैम में लोड होने के बाद प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है जब एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो साउंड की साउंड की फॉर्म में आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज और स्क्रीन जो है वो टेक्स्ट और डाटा की फॉर्म में आपको स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है तो यू एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट कैन कैन ऑब्जर्व इमेजिन कम्प्यूटर साइंसर्व बैक एंड पे कैसे काम हो रहा है सारे का सारा तो आपकी इंस्ट्रक्शन रूम की जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है अभी जब आप एनोटेशन करने लगेंगे तो एनोटेशन के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन एक्टिव हो जाएगी वो रैम में लोड की जाएगी उसको उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो आप लोगों के पास जो एनोटेशन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी मीन्स के हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंटली डाटा पड़ा होता है वहां से उठा के उसको फॉर द टाइम बीइंग फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड रैम में रखा जाता है एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग देख के आए थे हमने वॉच एफ सेवन की की के साथ प्रोग्राम्स को किया करके देखा था वेरिएबल्स को वॉच किया था जिसमें हमने देखा था कि जब आप लोग एक प्रोग्राम के स्कोप से बाहर जाते हैं तो वो आपका वेरिएबल फिर अनडिफाइंड हो जाता है तो मीनस के फॉर द टाइम पीरियड आपका डाटा रखा जाता है फिर आप लोग उसको यूज करते हैं एंड सोन तो आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के होने की कंप्यूटर uh, साइंस के स्टूडेंट uh, होने की वजह से आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए uh, आज से तकरीबन दो माह पहले एक पुराना स्टूडेंट था uh, वो दो साल पहले पढ़ चुका है पास आउट हो चुका है उसने मुझसे जो है ना ये रैम और रोम के बारे में डिफरेंस पूछना शुरू कर दिया सर काइंडली मुझे गाइड कर दें जो है वो पता नहीं शायद कहीं पढ़ा रहा होगा या कोई असाइनमेंट मिली होगी उसको एम एस में मतलब कि बच्चों को पता नहीं होता इसके बारे में बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं ये चीजें छोटी छोटी आप लोगों को पता होनी चाहिए नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट ये हार्ड डिस्क के बारे में बता रहा है जी कि रिजिड मेटल और क्लास प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल मटेरियल की बात कर रहा है कि इसका मटेरियल किस तरह का होता है इसका सरफेस क्या होता है आप लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स है, होते हैं डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं जिनको समटाइम हम लोग हम, हमारी स्क्रीन पे आ जाता है कि हार्ड डिस्क का फलाना सेक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा तो उस फलाने सेक्टर को डिस्टर्ब करके या फलाने सेक्टर को छोड़ के आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बाकी यूटिलाइज की जा सकती है मीन्स के जैसे हमारी रैम के सेगमेंट्स होते हैं इसी तरह हमारी जो डिस्क होती है डिस्क होता है डिस्क के सरफेस को ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और देन वो जो ट्रैक्स होते हैं उनको सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और आप लोगों को पता है कि हम लोग जब सी डी रोम को ओपन करते हैं तो उसमें हमने कभी नोट किया होगा कि सी डी घूम रही होती है तो सी डी जब घूमती है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर सेंसर लगा होता है सी डी जब घूमती है तो उसके अंदर उसके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उसके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो सेंसर जो है वो डाटा को रीड कर रहा होता है इसी वजह से नॉर्मली हम लोगों को ये बातें जो है वो पता होनी चाहिए कि हमारे जो ये स्टोरेज एरियाज़ होते हैं या स्टोरेज डिवाइस होती हैं इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली हमारा जिस तरह की डिवाइस है उसके अकॉर्डिंगली उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है नेक्स्ट नॉन वोलाटाइल मेमोरी है नॉन वोलाटाइल मेमोरी के अंदर हमारे पास जो है वो वेरियस टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं वेरियस टेक्नोलॉजीज के अंदर अब आप देखें कि आपका जो सेल फोन है मेरा सेल फोन है हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं इनके अंदर हार्ड डिस्क तो नहीं होती इनके अंदर हमारे पास डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है आप बता सकते हैं मुझे में। कौन सी ड्राइव में इसके अंदर तो हार्ड डिस्क नहीं होती ना हमारे सेल फोन में तो हार्ड डिस्क नहीं होती रैम होती है मतलब हमारी हाँ जी रैम होती है रैम तो बेटा टेम्पररी बेसिस पर डाटा स्टोर करती है चाहे वो आपका लैपटॉप है, है चाहे वो आपका कंप्यूटर है चाहे वो आपका सेल फोन है रैम तो टेम्पररी डाटा को स्टोर करती है लेकिन आप देखें जवेरिया बेटा आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपनी आठ दस सेल्फीज लेती होंगी वो स्टोर कर लेती होंगी फिर इसी तरह शहर है वो आठ दस सेल्फीज लेता होगा स्टोर कर लेता होगा इसी तरह आप लोगों के पास आपका सी आर है या आपका यूनस है या आप लोगों के पास डिफरेंट लोग हैं अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं अपने सेलफोन के अंदर वो कहाँ स्टोर होते हैं परमानेंटली क्योंकि आप उनको आठ दस बारह पंद्रह दिन के बाद भी आप लोग उनको देख लेते हैं तो वो परमानेंटली कहाँ स्टोर होते हैं जबकि हमारे में तो हार्ड डिस्क नहीं होती होती सर रैम भी है रोम रोम भी 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 होती 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 है होती है होती है फोन तो तो में रैम मतलब तो डाटा हमें बताया जाता है कि इसकी इतनी मेमरी है लाइक अगर वन ट्वेंटी तो जो सिक्स जीबी होते हैं मोबाइल की और और वन टू वन फोन की हार्ड ड्राइव होती है फोन की हार्ड ड्राइव होती है उसी में सेव होता है सर फोन की हार्ड ड्राइव कहाँ लगी होती है कौन सी होती है उसका क्या नाम है फोन की हार्ड ड्राइव कभी देखी है आपने छोटा सा फोन है उसके अंदर हार्ड ड्राइव कहाँ से आ गई एस एस डी लगी होती है अच्छा फोन के अंदर जो डाटा हमारा स्टोर होता है ना बेटा वो रोम में स्टोर होता है रोम आप देखते हैं कि हम लोग जब सेल फोन मार्केट से लेने जाते हैं हम कहते हैं जी एट है, एट है, एट जी बी की रैम होनी चाहिए और वन ट्वेंटी एट जी बी की रोम होनी चाहिए तो ये जो आपकी जी आर बता रही थी ना ये थोड़ा सा वन ट्वेंटी एट जी बी परमानेंट स्टोरेज की बात करते हैं और सिक्स सिक्स जी बी या आठ जी बी जो हम हम लोग उसकी टेम्परेरी स्टोरेज की बात कर रहे होते हैं ठीक है तो हमारी रोम जो है ना वो एज ए हार्ड डिस्क का काम कर रही होती है हमारे सेल फोन के अंदर तो दैट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी दैट इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी की रोम जो है वो हमारे से, हमारे सेलफोन में सारा डाटा स्टोर कर रही होती है जो कुछ भी हमारे सेल फोन में स्टोर होता है वो आपकी रोम में स्टोर होता है ऑन द अदर हैंड रोम हमारे सिस्टम में भी लगी होती है लेकिन जो हमारे सिस्टम में रोम लगी होती है उसका काम और होता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम को स्टार्ट करना होता है ये स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन देनी होती है सी को कि भाई फलाने पॉइंट से जाके आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करें एक्जीक्यूट करें और यूजर को अपना वो डेस्कटॉप डिस्प्ले करवा दें। ऑन द अदर हैंड आप लोग देखें अच्छा मुझे सबसे सब सबके सब साथ मैं ये पूछ रहा हूँ सबसे मेरा क्वेश्चन है जब आप मार्केट में जाते हैं या आप जब सेलफोन लेते हैं तो आप ये दो बातें मद्देनजर नहीं रखते कि मेरी मेरी इतनी जीबी की रैम होनी चाहिए और इतनी जी की रोम होनी चाहिए बोले जी सर उत्तर तो वो जी जो से... 128 जीबी की रोम है 64 जीबी की रोम है 32 जीबी वाला मोबाइल लेना है जी आप ना 32 जीबी वाला ना लेना वो 64 वाला लेना 64 वाला तो फौरन से फुल हो जाती है आप 128 वाला लेना 128 जीबी रैम नहीं होती 128 जीबी रैम तो आप लोगों के पास आपके पर्सनल कंप्यूटर में नहीं लगी होती ये मेरे लैपटॉप में 8 जीबी रैम है तो ये नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर एट जी रैम बहुत होती है ये वन ट्वेंटी एट जी बी रैम्स आप लोगों के पास बड़े बड़े सिस्टम जहाँ पर आप लोगों के पास सर्व लाइक सिस्टम कह लें उनके अंदर लगी होती है बेटा ये तो वन ट्वेंटी एट जी रैम बहुत होती है तो दिस इज अ रोम दिस इज अ साइज ऑफ द रोम जो कि आपके सिस्टम में लगी हुई है यहाँ पर आपका सारा डाटा स्टोर होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके आपकी पिक्चर्स आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी मूवीज आप Means सारा डाटा जैसे हमारा सारा डाटा हार्ड डिस्क में होता है ना लैपटॉप का इसी तरह सेल फोन का सारा डाटा रोम में होता है तो दैट इज अटाइल मेमोरी वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी हमारे सेल फोन में यूज की जाती है टू परमानेंटली स्टोर द डाटा ठीक है है जी अब आपको ये न, ये बातें जो ना वो तो पता होनी चाहिए थी आप लोगों को लेकिन आज मैंने अगर आपको बता दिया वो आपने भूलनी नहीं है ठीक है जी इसी तरह आप लोगों के पास अब आप देखें कि आप लोग एक वो मेमोरी कार्ड लेते हैं सेपरेट से ठीक है मेमोरी कार्ड सेपरेट से लेके अपने सेल फोन में लगा लेते हैं लेकिन आजकल तो देखेंगे हमारे पास लेटेस्ट

अब होप्स हो गया आपको नॉन वोलाटाइल मेमोरी अच्छा नॉन वोलाटाइल और volatile का डिफरेंस क्लियर हो गया ना आपको कि पावर ऑफ होने पे जब हमारा डाटा लॉस हो जाता है जैसे कि रैम में से लॉस हो जाता है तो उसको वोलाटल मेमोरी कहते हैं और जिस सिस्टम और जिस मेमोरी में से हमारा पावर ऑफ होने पर डाटा लॉस ना हो वो नॉन वोलाटल मेमोरी होती है अब जब हम लोग सॉन्ग सुन रहे होते हैं हमारा सेल बंद हो जाता है बैटरी खत्म हो गई है तो जब रिचार्ज करने पर हम लोग अपने सेल को ऑन करते हैं तो क्या जब ऑन करने से आपका सेल फोन उसी पोजिशन से ऑन होता है जहां पे वो बंद हुआ था नो सर इसकी रीजन है ना बेटा कि जब सॉन्ग प्ले हो रहा था तो उसका डाटा मेमोरी रैम में लोडेड था रैम इज मेमोरी रैम इज अटाइल मेमोरी तो फिर जब सिस्टम बंद हो गया तो रैम में से वो डाटा भी लॉस्ट हो गया जो लोडेड था रैम में अब क्या होगा सॉन्ग पड़ा हुआ है वो सॉन्ग परमानेंटली मेरी रोम में पड़ा हुआ है क्योंकि रोम इज अ परमानेंट स्टोरेज एरिया रोम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी तो वहां से आप जाके दोबारा से उसको प्ले करेंगे अब आप लोग रिचार्जिंग पे रिचार्ज पे लगा दिए अब मोबाइल रिचार्ज भी हो रहा है और अब आप, आप लोग जो एंजॉय भी कर रहे हैं सॉन्ग को क्योंकि आपको पता है अब सेल जो है वो बंद नहीं होना अब डाटा नॉन वोलाटेल मेमोरी से उठाया जा रहा है वोलाटेल मेमोरी में लोड किया जा रहा है प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं सॉन्ग प्ले हो रहा है और आप लोग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता है कि जब भी आप अपने सेलफोन को ऑन करते हैं रिचार्ज करके आप अपने सेल को ऑन करते हैं तो नोकिया का सेल है तो हमेशा शुरू में वो एक ही तरीके के साथ ही ऑन होता है नोकिया लिखा आएगा हैंड शेकिंग का साइन आएगा सैमसंग का मोबाइल फोन है तो एक ही तरीके के साथ ऑन होगा आपका लैपटॉप है आपका लैपटॉप डेल का है तो शुरू में थोड़ी सी ब्लैक स्क्रीन आती है फिर डेल लिखा आ जाता है फिर थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन आके कुछ कलर रिवॉल्व होते हैं और विंडोज विंडोज का साइन बन जाता है और सामने डेस्कटॉप आ जाता है एक ही तरीके के साथ हमेशा वो ये जो एक ही तरीके के साथ हमेशा स्टार्ट होता है इसकी क्या रीजन है ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी है ये इंस्ट्रक्शन परमानेंटली पड़ी हैं ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी है ये रोम में पड़ी है ठीक है तो सेलफोन के अंदर रोम जो है वो इन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमारे पर्सनल डाटा को भी स्टोर करता है लेकिन जो हमारे सेल्फ हमारे लैपटॉप्स हैं हमारे कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर सिर्फ रोम को इतना ही काम दिया गया है भाई कि यू यू शुड हेल्प या यू विल हेल्प टू स्टार्ट द सिस्टम यू विल दिस्टम टू प्रीपेयर सिस्टम तो रोम को अगर हम लोग अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंगली सिर्फ लैपटॉप के अकॉर्डिंगली डिफाइन करें क्योंकि रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो हम कहते हैं जी के रोम इज यूज टू प्रीपेयर सिस्टम ठीक है क्योंकि रोम के अंदर से प्रोसेस स्टार्ट होता है जैसे हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो रोम के अंदर से प्रोसेस स्टार्ट होता है रोम के अंदर से हमारे पास देखा जाता है कि अच्छा क्या काम करना है आप लेकिन ऑन द अदर हैंड जब सेल फोन की बात की जाती है तो सेल फोन के अंदर वो ये ये सिस्टम से रिलेटेड डाटा भी सिस्टम के सिस्टम को रेडी करने से रिलेटेडी डिजेट या हमने डी एल डी में भी पड़ा होगा ये सबसे स्टोरेज यूनिट सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट है आप लोगों के पास जिसको बिट कहते हैं एट बिट्स मिल के हमारे पास वन बाइट बनाते हैं और मिलके वन जीरो मिलकर हमारे पास जो है

क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारी रैम जो है हमारी रैम का एक हमारी रैम को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है और वो जो सेगमेंट्स हैं एक बाइट का एक सेगमेंट होता है सो so, ये जितनी बात मैंने अभी आपको बताई है आप लोग यहाँ से भी सारी की सारी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं जी नेक्स्ट आपके स्टोरेज हरार की ये कैशे के बारे में आप जानते हैं कैशे स्टोरेज सम्मालेस्ट स्टोरेज एरिया जो कि आजकल प्रोसेसर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है इसको यूज किया जाता है

किसी भी इंस्ट्रक्शन पे काम करने लगता है या किसी भी पेज के अगेंस्ट काम करने लगता है तो सबसे पहले उसको कैशे में देखता है कैशे में से मिल जाए तो ठीक है नहीं तो फिर उसको रैम में जाके देखता है रैम में डेफिनेटली वो हार्ड डिस्क से उठाएगा तो रैम में लोड करेगा तो फिर उसको लेके आएगा तो कहा जाता है कि कैशे रिसेंटली यूज्ड फाइल्स को जो है ना वो स्टोर करती है रिसेंटली यूज फाइल्स को अब समाइम ऐसे होता है कि हम अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी वेब पेज को ओपन किया होता है तो आप लोगों का कुछ टाइम के बाद इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर क्या होता है कि आप लोग जब दोबारा से उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं वो पेज ओपन हो जाता है पेज कहाँ से ओपन हो गया भाई इंटरनेट तो डिस्कनेक्ट है वो वेब पेज किधर से ओपन हो तो गया जब इंटरनेट ही डिस्कनेक्ट है तो वो वेब पेज कैशे में पड़ा होता है ठीक है जी वो वेब पेज कैशे में पड़ा होता है फिर जब वेब पेज से आगे आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो वो होता नहीं है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है सो रिसेंटली यूज फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में आप जानते हैं आप लोगों को मेरे ख्याल से उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है अभी आप लोग अपने माउस को अपने लैपटॉप से अनप्लग करके और दोबारा से प्लग करें तो वो नीचे आपको मैसेज दे देगा कि आपकी डिवाइस के ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं आपकी डिवाइस के ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं एंड तो so नेक्स्ट चलते हैं जी ये स्टोरेज हरार की हा मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स मॉडर्न कंप्यूटर कैसे वर्क करता है यहाँ पे अच्छा ये एक टर्म लिखी हुई है डायरेक्ट मेमोरी असेस डायरेक्ट मेमोरी असेस को मैं आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ डायरेक्ट मेमोरी असेस बता दिया है कि डिवाइस जो है वो डायरेक्टली आपकी रैम को एक्सेस कर लेती है डिवाइस जो है वो प्रोसेसर के पास जाती नहीं है दिस इज अ कंसेप्ट ये कंसेप्ट हमारे कुछ ऑपरेटिंग मतलब आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है हमारी हमारी हार्ड हमारे जो हार्डवेयर है वो भी इस चीज को सपोर्ट करता है आप ये देखें कि आप लोग आ, ये डिवाइस है फॉर एग्जांपल ये आपका सीपीयू है ये आपकी मेमोरी है रैम दिस इज अंटर प्रोसेसिंग यूनिट दिस इज योर डिवाइस ये डिवाइस से मुराद आपका प्रोसेसर आ, प्रोसेसर तो ये है ना ये आपकी फॉर एग्जाम्पल सी डी रोम है या हो सकता है आप लोगों का प्रिंटर है ये हो सकता है, हो सकता है आप लोगों का की है कोई भी डिवाइस हो सकती है ये वाली ये आपकी मेमोरी है ये आपका सीपीयू है तो यहां से देखें नॉर्मली तो ये होता है ना कि सीपी ही सारे काम करता है यहाँ से वो सीपी के पास जाएगा सीपी यू रैम में रखेगा रैम से लेगा फिर उनको प्रोसेस करेगा फिर इसके पास जाएगा लेकिन ये आप लोग जो लाइन है इसको देख सकते हैं डीएम में डायरेक्ट मेमोरी असेस डीएमए से मुराद क्या है डायरेक्ट मेमोरी असेस डायरेक्ट मेमोरी असेस से मुराद आप लोगों के पास के डिवाइस कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी प्रोसेसर के दरमान में कोई इंटरफेरेंस नहीं है अदरवाइज आप लोग देखते हैं जी कि हमारा प्रोसेसर के थ्रू ही सारा काम हो रहा होता है ये इंटरप्ट कोई जनरेट हो रही है तो वो भी हमारे प्रोसेसर के थ्रू ही एग्जीक्यूट होनी है कोई डाटा लेना देना है वो भी प्रोसेसर के थ्रू ही आ रहा है जा रहा है कोई इनपुट आउटपुट लेनी देनी है वो भी प्रोसेसर के थ्रू ही आ रही है जा रही है ये आप लोगों के देखें कि प्रोसेसर के अंदर कैशे की आ साइन भी बना हुआ है तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल या जो भी डाटा की मूवमेंट है इन शॉर्ट ये बातें तो आपको लोगों को पता है कि डिवाइसेस जितनी भी है या जो कुछ भी है या जितना भी काम हमारे सिस्टम में किया जाता है वो सारे का सारा प्रोसेसर के थ्रू किया जाता है लेकिन देर इज ए अदर कॉन्सेप्ट के आ, हमारे पास ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं कि हमारा जो डाटा है आ, हमारी जो डिवाइस है डेट कैन ईजिली एंड डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी चले ये किस लिए यूज किया जाता है ये पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अभी मैं आपको बता के आया हूँ

जी सर विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन के आप लोगों के पास जो डिवाइस है वो डायरेक्टली सीपीयू आपकी मेमोरी को एक्सेस कर लेती है मतलब सीपीयू की जरूरत ही नहीं पड़ती जब सीपीयू की जरूरत ही नहीं पड़ती तो क्या लिखा गया आपके पास के डिवाइस जो है डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डाटा फ्रॉम बफर स्टोरेज डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट सीपीयू इंटरवेंशन नेक्स्ट चले नेक्स्ट लिखा हुआ है जी ओनली वन इंटरप्ट इज जनरेटेड पर ब्लॉक देन इंटरप्ट पर बाइट ठीक है वो ये नहीं है वो ये नहीं कहता कि एक के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास मेमोरी को इंटरप्ट जनरेट नहीं होगी अब आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर वे में काम करेगा प्रॉपर वे में क्या काम करेगा वो bytes, वो बाइट्स वर्ड ब्लॉक के अकॉर्डिंगली आप लोगों के पास इंटरप्ट जनरेट करेगा जो कि मेमोरी को कहेगा अच्छा ये ये जो है ना वो लोड करना है या इसको मैंने आप आप लोगों से लेना है या नहीं लेना तो ये सिंपल सी बात है जिसको मैंने अभी आपको लास्ट साइन में बताया इन सिंपल वर्ड्स के your can the, uh, uh, so that's why हम, हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग शुरू में पढ़ के आए हुए हैं जिसको फॉर्मवेयर भी बोला जाता है अच्छा ये देखें सिंपल कोड टू निशलाइज अम पढ़ के आए हैं हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ के आए बूट स्टैप प्रोग्राम के बारे में पढ़ा जिसमें हमने बूटिंग के बारे में डिस्कस किया था बूटिंग होती है जी तो बूटिंग रोम से स्टार्ट होती है और जब बूटिंग रोम से स्टार्ट होती है तो फिर हमारे पास क्या किया जाता है कि आपका डाटा जो है आपके सिस्टम से रिलेटेड वो लोड किया जाता है हमने कहा था कि अब जब बूटिंग होती है तो आपका सिस्टम जो है वो रेडी हो रहा होता है यूजर कैन यूज एंड तो लोड द करलर मतलब ये सारी वो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं सिस्टम डायमंड सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द करल इंटरप्ट रिवन है इंटरप्ट के बारे में पढ़ के आए हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में पढ़ गए हैं उसको एक्सेप्शन या बोला जाता है सिस्टम सिस्टम कॉल कॉल के के बारे बारे में में हमने देखा कि system call के बारे में हम लोग देख के आए हैं कि सिस्टम कॉल क्या होती है अच्छा ये देखिये ये मजे की बात है डिवीजन बाई जीरो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में आप किसी भी आ, आपने कोई प्रोग्राम करके देखना है अपने अपना ना सी प्लस प्लस में जब आप किसी नंबर को डिवाइड बाई जीरो कर रहे होते हैं ना तो आपको एक एरर आ रहा होता है आता है एरर नोट किया कभी जरूर आया होगा कभी ना कभी आपके साथ अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो अदरवाइज नहीं करते तो फिर हैं आपकी ना करें अच्छा जी चलें जी नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में कोई आइडिया है तो जल्दी से बता दें मुझे जी कोई तो बोला करें या उठ गए सब लोग नो नो सर नो oh, अच्छा मल्टी प्रोग्रामिंग से मैं आपको बात बताता हूँ असल जब में जब शुरू में ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करनी डिस्कस करने वाली है कि जब शुरू में हमारे कंप्यूटर सिस्टम बने थे ना तो कंप्यूटर सिस्टम का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था आपको पता है ये सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बनाए गए थे बिजनेस से रिलेटेड कैलकुलेशंस कह लें या फिर आर्मी ने इसको अपने पर्पस के लिए यूज करना शुरू किया था तो इन शॉर्ट मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा उस वक्त क्या किया जाता था पंच कार्ड्स होते थे पंच कार्ड्स के थ्रू जो भी काम लेना होता था ना जिस तरह की कैलकुलेशन लेनी होती थी सिस्टम से वैसा एक सॉफ्टवेयर बना के वैसी इंस्ट्रक्शन डिफाइन करके ना पंच कार्ड के थ्रू वो सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन सिस्टम को दी जाती थी और सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता था इसी तरह फिर करते करते क्या हुआ जी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम रख लें वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना अब वो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम क्या करता था वो प्रेडिंग एक एक वक्त में ही काम करता था आजकल कर हम क्या करते हैं आजकल कर हम सेम टाइम से डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं हम लोग सेम टाइम पर अपना असाइनमेंट भी लिख रहे होते हैं सेम टाइम पर हम लोगों ने सॉन्ग भी प्ले किया होता है बैक एंड पे और सेम टाइम पे हम सोशल मीडिया भी यूज कर रहे होते हैं देखो भाई कि आप एक वक्त में कितने काम कर रहे हैं ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडोज आपका एंड्रॉइड आपका आईओ आपका लिनिक्स आपको सपोर्ट करता है तो आप करते हैं अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो आप ये काम कभी भी ना कर पाते पहले डाउनलोडिंग करते फिर आप असाइनमेंट लिखते हैं असाइनमेंट खत्म होती या असाइनमेंट को आप बंद करते फिर आप सॉन्ग प्ले करते हैं सॉन्ग प्ले कर लिए अब आपने सोशल मीडिया यूज करना है भाई सोशल मीडिया तब यूज करेंगे जब आप सॉन्ग को बंद करेंगे या सॉन्ग को कंप्लीट होने दे लेकिन आप क्या कर रहे हैं आप तो एक वक्त में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से तो मैं आपको थोड़ा सा बैकेंड पे लेके जा रहा हूँ पिछले सालों में लेके जा रहा हूँ तो क्या हो रहा था कि नया जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो यूजर की रिक्वायरमेंट थी भाई कि मैं एक वक्त में ज्यादा काम करूँ वो एक वक्त में ज्यादा काम करने के लिए जो ना वो काम किया गया एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया उस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को नाम दिया गया मल्टी प्रोग्रामिंग का मल्टी प्रोग्राम ये सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग करेगा जी अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग कैसे करेगा ये मल्टी प्रोग्रामिंग करेगा कि एक वक्त में ज्यादा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेगा जस्ट लाइक अ लॉयर जस्ट लाइक अ लॉयर लॉयर क्या करता है आपका वकील क्या करता है उसके पास एक end, end, एक वक्त वक्त में में बहुत सारे केसेस होते हैं लेकिन लेकिन एट एट द द एंड एंड जज के सामने जाके एक को ही वो डिफेंड करता है सारे इकट्ठे नहीं करता फिर काम तो वही का वही रह गया प्रॉब्लम तो वही का वही रह गया या तो कुछ इस तरह का काम हो ना कि सारे प्रोग्राम्स हैं वो एक वक्त में ही एग्जीक्यूट हों तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये था कि आप लोग एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ काम कर सकें लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्यों पॉसिबल नहीं हुआ उसकी क्या रीजन है वो मैंने अभी आपको बताई है लेकिन जो पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं हम लोग इनको भी पढ़ लेते हैं कहते हैं सिंगल यूजर कैन नॉट ऑलवेज कीप सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिजी एक सिंगल यूजर जो है वो कहता है कि एक सिंगल यूजर जो है वो नहीं रख सकता आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हर हर वक्त बिजी क्यों क्योंकि आपके प्रोसेसर ने एक वक्त तो में एक काम ही करना है ज्यादा से ज्यादा वो कितने काम कर लेगा आप कितने काम कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा एक दो कर लेंगे तीन कर लेंगे लेकिन यू वांट दैट वॉन्ट आप अपने सीपीयू को कहते हैं कि मैं हमेशा इसको पूरा बिजी रखना चाहता हूं कहते जी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजे जॉब जॉब जारी जारी सी बात है हमारा जो प्रोसेस होता है ना उसका 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 कोड होता है और उसका डाटा होता है ठीक है जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग और चीज होती है डाटा और चीज होती है कोडिंग आप करते हैं आप प्रोग्राम को रन करते हैं डाटा वो होता है जो वो आपसे मांगता है एंटर नंबर फलानी चीज एंटर कर लो फलानी चीज एंटर कर लो फलाना मुझे चाहिए देन मैं एग्जीक्यूशन करूंगा मैंने लूप कितना चलाना है लूप की आइट्रेशन दस दफा चलनी है वहां पर कंडीशन जो है वो आप कौन सी मांग कर रहे हैं इसको डाटा कहते हैं कोड एक सेपरेट चीज होती है वो कहता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज सो सी पी यू ऑलवेज है मल्टी प्रोग्रामिंग कहता है कि हमारे पास एक जॉब्स को इस वे में ऑर्गेनाइज करेगा कि सीपीयू जो है ना वो कभी ना कभी